ये भीड़ किसी सेलिब्रिटी को देखने के लिए इकट्ठा नहीं हुई है, बल्कि सिवान के लाल अग्निवीर की एक झलक पाने के लिए कई गांव के लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अग्निवीर जवान प्रदीप यादव का शव आज पैतृक गांव द्रोण पहुंचा। पार्थिव शरीर जैसे ही सिवान के जीरादेई मोड़ पर पहुंचा, वहीं से हजारों की संख्या में युवा प्रदीप के सम्मान में भारत माता की जय, प्रदीप यादव जिंदाबाद, प्रदीप यादव अमर रहे के नारे लगने शुरू हो गए। करीब 30 किलोमीटर तक सड़क के किनारे दोनों ओर लोगों की भीड़ प्रदीप यादव की एक झलक पाने के लिए खड़ी रही। तिरंगा झंडा और भक्ति गीतों से गूंजते हुए डीजे के साथ प्रदीप यादव का पार्थिव शरीर पैतृक गांव पहुंचा। पार्थिव शरीर जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा, पिता शंभू यादव, माँ देवांती देवी सहित पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं पार्थिव शरीर को देखकर गांव वासियों की भी आंखें नम हो गई। चारों तरफ भक्ति गीत बज रहे थे। वहीं दरवाजे पर सेना की एक टुकड़ी पार्थिव शरीर को अंतिम सलामी देने के लिए पहुंची, जिसके बाद दरौली के सरयू नदी घाट के किनारे अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि दो दिन पूर्व जम्मू कश्मीर के अखनूर के टांडा इलाके में अग्निवीर जवान प्रदीप के सिर में गोली लगने से मृत्यु हो गई थी। हालांकि प्रदीप की मृत्यु किस कारण हुई, अब तक सेना की तरफ से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। प्रदीप पिछले साल ही 2022 में अग्निवीर सेवा में भर्ती हुआ था। प्रभात खबर.com विश्वास वही रफ्तार नहीं।